क्या हाल चाल है पीके पियंस? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, तुम लोग पीके पियंस हो, याद रखो इस नाम को। चलो तो हम आज शुरू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, है ना। तो देखो, क्लास 11th का चैप्टर नंबर सेट्स तुम पढ़ने वाले हो, तो देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरी एक बात मानो, है ना। तुम्हारे स्कूल टीचर्स कुछ भी बोल रहे हो, पहले तुम बेसिक्स पढ़ो। 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से बेसिक्स पढ़ने में। अगर तुमने बेसिक्स नहीं पढ़े ना, तो ये चैप्टर में तुम घूम जाओगे। दिल्ली घूमने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, चैप्टर में तुम घूम जाओगे एकदम। तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लें हम। चलो तो हम आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं। सबसे पहले ये बेसिक्स तुम क्लास 9-10 में पढ़ के आ चुके हो, इसलिए मुझे इन्हें ज्यादा ब्रीफली पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा बैकअप ले लो तुम, है ना। देखो, सबसे पहले तुम देखो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें मैं, देखो ये वाले 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ अप टू, ये 3 डॉट्स का मतलब पता था ना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे बनाते हैं? उल्टा 8 बना दो, है ना, ये इन्फिनिटी हो गया। चलो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये। अब बात आती है होल नंबर्स की। क्या आती है? होल नंबर्स। ये पॉजिटिव होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स, ये याद रखना, तुम ना नेगेटिव में पहुंचा दो। होल नंबर्स 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव में चल रहा हूं मैं भी, मैं नेगेटिव में नहीं गया हूं, पॉजिटिव में चल रहा हूं मैं सब कुछ। फिर बात आती है तुम्हारे रेशनल नंबर्स की। कौन से नंबर्स की बेटा बात कर रहा हूं मैं? रेशनल नंबर्स। अब देखो, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? उन वो नंबर्स जिन्हें तुम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, और वहां पर पी क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। एग्जाम्पल दें, चलो एग्जाम्पल लो तुम, तुम्हारा 1/2 हो गया, ठीक, 3/4 हो गया, 6/9 हो गया, क्या है ये? PQ not equals to zero है, एक डाउट आता है बच्चों के मन में, बहुत अच्छा, जान लें वो डाउट भी। चलो, तो पाई जो होता है, उसकी वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, तो सर ये क्यों नहीं होता? इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.1416 समथिंग होती है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। है तो ये भी PQ फॉर्म में, बट एक्चुअल वैल्यू ये होती है, इसलिए हम नहीं लेते हैं। याद रखना, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को टीचर्स ऐसे ही, बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं टीचर्स। फिर बात आती है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। कैसे नंबर्स यार? तुम एग्जांपल के तौर पे √2/1 लो, है ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 1.1416/1 हुआ इरेशनल? नहीं हुआ, समझे अब तुम। फिर बात आती है तुम्हारी इंटीजर्स क्या होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स सारे नंबर्स जितने भी हैं, जैसे -3 अप माइनस इंफिनिटी से -2 -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये सारे नंबर्स होते हैं। फिर आता है तुम्हारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? वो सारे नंबर्स। कौन से नंबर्स? वो सारे नंबर्स जिन्हें तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सको, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। यहां पे चाहूं तो मैं किसी की -1/1.5 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? -0, है ना। यहां पे तुमने रूट में भी तो रिप्रेजेंट किए थे, √2 की वैल्यू रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, तो वो रियल नंबर्स। इसमें पॉइंट वाले नंबर्स भी आते हैं, समझे तुम, रियल नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर्स भी आते हैं, समझ गए इतना। और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बता दें, चलो देख लो तुम। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे 2 है, ये किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है और 2 से होता है सिर्फ। फिर आते कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, बस तुम इन प्राइम नंबर्स को घुमा दो। कंपोजिट नंबर्स अपने आप से, जैसे एग्जाम्पल लो तुम 4, ये किस किस से डिवाइड होगा? 2 से होगा, 1 से तो होगा ही सब नंबर, फिर 4 से, अपने आप 2 से या 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। 2 से ज्यादा, समझ गए तुम, ये 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, बस इतना समझ लो। अपने आप से भी होते हैं और 2-3 नंबर से और होते हैं, ठीक। ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक्स खत्म। अब हम तुमको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर का स्टार्टअप। तो देखो, जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स, सबसे पहले तुम सेट्स का मतलब समझो। ये सेट्स पढ़ना क्यों है, इसका मतलब क्या होता है आखिरकार? तो देखो, सेट जो होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या वेल डिफाइंड? मतलब इसे मैंने अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन, झुंड किसका?
ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट्स के बजाय और टर्म्स भी यूज करूंगा, कौन कौन से टर्म्स यूज करूंगा, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेंबर्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए टीचर्स डाल देते हैं, इसलिए हमने तुम्हें डेफिनेशन में लिखा दिया। सेट्स क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड, जिसे मैं डिफाइन कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं डिफाइन ना कर पाऊं जिस चीज को, मैं जिस चीज को अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं। एग्जाम्पल बताएं, अच्छा एग्जाम्पल में इंडियन क्रिकेट टीम, कौन सी इंडियन क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप में गई थी, ठीक। अब मैं उसमें बोलूं तुमसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितने मेंबर्स होंगे, 12 होंगे मेंबर्स, टीम में 12 मेंबर्स हैं, ठीक। अब एक डिफाइंड कलेक्शन है ना, कि 12 लोग ही गए होंगे वर्ल्ड कप में प्ले करने, तो क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, समझे। अब मैथमेटिकल वर्ल्ड में सेट्स क्या है, है मैथमेटिकल वर्ल्ड में क्यों पढ़ते हैं हम सेट्स को, इसका ही बहुत यूज होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, और फंक्शन पढ़ोगे क्लास 12th में, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है, 11th में भी है मेरे हिसाब से, कुछ सेकंड चैप्टर है तुम्हारा फंक्शंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स, ध्यान से पढ़ो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ा एग्जांपल से समझो। तो हम तुम्हें और एक सारे एग्जांपल्स कराने जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं, एग्जांपल्स कराने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा हूं तुमसे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, कौन से बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब कौन कौन से होते हैं इवन नंबर्स, मुझे एक बार बताओ तुम, कौन कौन से होते हैं इवन नंबर्स, कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है ना, 10 होता है, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हुए। अब तुम गारंटी ले लो मुझसे, लिखवा लो एग्जाम पेपर पे, तुम दुबई में चले जाओ, ठीक, तुम अफ्रीका चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तुम अमेरिका चले जाओ, हर जगह तुम किसी इंटरनेशनल बंदे से पूछो, वो बोलेगा सर ये होते हैं, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, क्या वेल डिफाइंड, मैं इन्हें इजीली डिफाइन कर सकता हूं, यहां मैं इवन नंबर्स के बजाय ऑड नंबर्स भी लिख सकता था बेटा, ठीक, समझ गए तुम, ऑड नंबर्स हुए, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लो, बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, कौन से बेटा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब ये कौन कौन से हुए हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये नेचुरल नंबर्स हुए तुम्हारे, हुए या नहीं हुए, कहीं पे भी चले जाओ यही नंबर रहेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल दें तुमको, हैं स्टेट्स इन यूपी, क्या बोल रहे हैं हम, स्टेट्स इन यूपी, ध्यान से पढ़ लो बेटा, स्टेट्स इन इंडिया होगा, समझे, यूपी तो यार एक टेरिटरी, एक जगह है, एक स्टेट है, कितने हैं। अब इस स्टेट के अंदर तुम्हारे स्टेट्स इन इंडिया पक्का है ना, तुम्हारे जितने स्टेट्स हैं उतने ही रहेंगे, ये तो है नहीं कि हाँ मैंने से ये मेरे पास 50 स्टेट्स हैं, 200 स्टेट्स हैं, 400 स्टेट्स हैं, उतना वो तो नहीं होने वाला, तो इसको ये स्टेशनरी है, मतलब एक इतने ही रहेंगे, वेल डिफाइंड है। अब कुछ नॉन डिफाइंड, मतलब जो सेट नहीं है, उनके एग्जांपल्स देखो, वरना तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा सेट ऑफ टॉल पीपल, ये मैं हटा देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ऊपर लिखा है हमने, ये नहीं जो लिखा है, ये सेट ऑफ टॉल पीपल्स है ना। अब तुम कहोगे सेट ऑफ टॉल पीपल्स इन वर्ल्ड, अब तुम कहोगे ये सेट नहीं है, कैसे, अब टॉल पीपल की बात आ गई, एक प्रॉप, मतलब एक चीज है, अब किसी के हिसाब से 4-5 वाले टॉल होंगे, अब अगर तुम जो है छोटे बच्चों के छोटुओं के इलाके में रहते होगे, तो तुम कहोगे कि इसकी हाइट इतनी हाइट हो तो हम माने कि टॉल है, अब तुम लंबों, मतलब जो लंबे लोग होते हैं उनके उसमें रहते होगे, तुम कहोगे कि इतनी हाइट होनी चाहिए उसे टॉल माने, तो हम वेल डिफाइंड नहीं है, ये हर जगह चेंज हो जाता है, है? अब मैं यहाँ पे बोल दूं इंटेलिजेंस है पीपल की, क्या इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो चेंज हो जाती है किसी के हिसाब से, जो मैथ ज्यादा अच्छे से पढ़ लेता है वो, किसी के हिसाब से जो रट लेता है, इंग्लिश रट लेता है, साइंस हिस्ट्री रट लेता है वो, किसी के हिसाब से जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वो, तो हर इंसान की अलग इंटेलिजेंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, है ना। अच्छा अब मैं बोलूं बेस्ट टीचर इन स्कूल, कौन सा बेस्ट टीचर इन स्कूल, हाँ मुझे पता है सब सब की टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश वाली मैम ही होती हैं, है ना, सब बच्चे वही हद होती है क्लास में,
सब बच्चों की फेवरेट इंग्लिश वाली टीचर ही होती है। अब बेस्ट टीचर इन स्कूल सबके हिसाब से डिफरेंट होगी, किसी के हिसाब से इंग्लिश वाली मैम होंगी, किसी के हिसाब से मैथ्स वाली मैम होंगी, मैम ही होती हैं ज़्यादातर फेवरेट टीचर्स। ऐसे मत देखो, ये ट्रुथ है, ये दुनिया का सत्य है, ये कटु सत्य है बच्चों। अच्छा, अब हम तुम्हें कुछ बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? हम तुम्हें बताने वाले हैं इस बिलोंग्स टू के साइन का मतलब। ये जो ई के बीच में डंडा बनाया है, इसे हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है, हम तुम्हें ये बताने वाले हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए इक्वल्स टू 4, 6, 8, 10। मैंने तुम्हें नोटेशंस नहीं पढ़ाया ना अभी, सेट को कैसे लिखते हैं पहले वो पढ़ लो तुम, या बता देता हूँ मैं से। देखो, 4 बिलोंग्स टू क्या है, ए, मतलब 4 जो है वो सेट के अंदर आता है। और अगर मैं यहाँ लिख दूं 12 नॉट बिलोंग्स, जैसे काट दूंगा इसे, तो मतलब इस सेट के अंदर नहीं आता, ये सेट है, इसके अंदर ये मेंबर्स हैं। मेंबर्स पता है ना तुम्हें, कैपिटल से मेंबर्स रिप्रेजेंट नहीं होते, स्मॉल से रिप्रेजेंट होते हैं मेंबर्स, कैपिटल से जो सेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब तुम्हें पता है अच्छे से, समझ गए तुम? बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। क्या बताने वाला हूं मैं तुम्हें? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट्स को हम हमेशा हमेशा किसमें, कर्ली ब्रेसेस में, सेट्स को हम कर्ली ब्रेसेस में डिटरमाइन करते हैं। सेट्स को कर्ली ब्रेसेस में हम लिखते हैं, ये समझ गए तुम? तुम कोई भी नहीं बना सकते, तुम ये वाला नहीं बना सकते, तुम ये वाला नहीं बना सकते। अंडा मिलेगा टीचर से, अगर तुमने ये वाले को छोड़ के ये वाले बना दिए तो अंडा मिलेगा तुम्हें। तो हमें ये वाले ब्रैकेट के अंदर सेट्स को लिखना होता है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि हर सेट के बीच में हमें कॉमा लगाना पड़ता है रोस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक। फिर आती है तुम्हारी जो पहली प्रॉपर्टी और है, वो आती है तुम्हारी कभी भी सेट रिपीट नहीं होता। अब जैसे मैंने एक सेट लिखा है ए इक्वल्स टू, तुम्हें बताया ना मैंने क्या लगाते हैं, ये ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। अब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मैं सेट लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, बंद कर दिया मैंने सेट। अब इसी को मैं एक और तरीके से लिख देता, ऑप्शन एमसीक्यू में, आजकल अब तो एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू में तुमसे पूछ लेंगे कौन सा सही है इनमें से, कौन सा सही है इनमें से, तुमसे वो ऐसे पूछ लेंगे। मैं ऐसे शॉर्ट कर देता हूं थोड़ा सा, वरना थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, ठीक। अब तुमसे बोल देंगे वो इन दोनों में से, चार ऑप्शन दे देंगे, इन दोनों में से कौन कौन से, कौन सा सही है, तो तुम इस पे टिक मार के आओगे। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी सेट को उसका एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी है। इसमें देखो एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, हम उठा के एक बार लिख देंगे, वो करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, समझे तुम? उसको एक बार लिखना है, एक ही बार लिखोगे, ये नहीं कि तुम उसे 10 बार लिखो, ये रूल नहीं होता। तुम उसे एक बार लिखोगे, चाहे तुम वो उस सेट के अंदर 5,05,00,000 कितनी भी बार आ रहा हो। और ये मैटर नहीं करता कि मैं किस ऑर्डर में लिख रहा हूं, मतलब ऑर्डर डजंट मैटर। क्या नहीं मैटर करता? ऑर्डर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब क्या इसका? थोड़ी आसान भाषा में समझाएंगे सर, जरूर समझाएंगे तुमको। यही सेट मान ले, मैं हम एक सेट लिखते हैं तुम्हारे लिए, क्या सेट लिखते हैं, हम सेट लिखते हैं ए, ए ई आई ओ यू, ये मैंने वॉवल्स का सेट लिख दिया। किसका लिख दिया? वॉवल्स। वॉवल्स पता है क्या होते हैं? वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, पता है तुम्हें क्या होते हैं? वॉवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, और इनके अलावा अल्फाबेट में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, समझ गए तुम? बहुत अच्छे। अब देखो वॉवल्स लिख दिए मैंने ये सारे उठा के, है ना। अब इनका मैं ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं ई यू आई ओ ए तो भी ये सही है सेट, ये भी सही है, ये भी सही है। तुम किसी भी ऑर्डर में लिख के आओगे उसके एलिमेंट्स को, ये नहीं है कि तुम उठा के तीरान का एलिमेंट ईरान में रख दो, ऐसा नहीं होगा।
किसी और सेट का एलिमेंट तुम दूसरे सेट में नहीं रख सकते, बट उसी सेट के एलिमेंट्स को तुम आपस में मिक्स कर सकते हो, तुम इधर का उठा के इधर रख सकते हो, इधर का उठा के इधर रख सकते हो, ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है सेट की, ठीक है, समझ गए। दो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें अभी तक बताई है, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, और एक सेट के अंदर हम उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तुम किसी भी ऑर्डर में उसको लिख सकते हो। और हम सेट्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, किसमें, कर्ली ब्रैकेट, यार कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हम सेट्स को, समझे तुम, किसी भी उसमें नहीं लिख सकते तुम सेट को। और कैपिटल्स में सेट का जो होता है उसे हम डिनोट करते हैं, शॉर्ट में जो है वो हम उसके मेंबर्स को डिनोट करते हैं। इतना क्लियर हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं तुमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब ये क्या होता है सरकार, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो देखो सेट्स को हम बेसिकली दो हिस्सों में, दो टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पहली होती है तुम्हारी रोस्टर फॉर्म, कौन सी होती है, और रोस्टर फॉर्म दूसरी होती है तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म, समझ रहे हो, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म जो होती है उसमें देखो मैं एक सेट लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में क्या लिख रहा हूं, इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स। रोस्टर फॉर्म का ये रूल होता है, तुम उसमें क्या लिखते हो, तुम उसमें कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे और हर एलिमेंट को कॉमा से अलग अलग करोगे, बस ये रूल होता है रोस्टर फॉर्म का। अब इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म की एक बेसिक डिनोशन यूनिट बोल सकते हो, उसको लिखने के लिए तुम समझ लो, हम हमेशा सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू चल रहा है एक्स कोलन एक्स, ठीक, और प्रॉपर्टी, मतलब हम जो है x की प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब इस कोलन का मतलब यहां पे पता है क्या है, इज सच दैट है, क्या है, इज सच दैट, और ये जो है x, ये एलिमेंट है, हम बताते हैं कि ये जो एलिमेंट है इस x की प्रॉपर्टी क्या है, इस x की प्रॉपर्टी क्या है। अब सेम इस वाले केस में क्या करेंगे हम, तुम खुद देखना, यहां पे क्या लिखेंगे, a equals to curly braces x x, ठीक, प्रॉपर्टी क्या होगी, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस ऐसी बनेंगे, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे वॉवल्स हैं, तो क्या लिख देंगे हम यहां पे उठा के, हैं, बताओ, x is, मतलब x तो हम लिख चुके हैं, प्रॉपर्टी में क्या लिख देंगे, ऑल वॉवल्स, शॉर्ट में बता दिया, ऑल वॉवल्स लिख देंगे हम, ठीक, समझ गए, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ये होती है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम हर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और हर उसको कॉमा से डिटरमाइन करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास एक बेसिक फॉर्म दी हुई है, उसमें लिखते हैं हम ए कोलन ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एक्स इज सच दैट एक्स प्रॉपर्टी। इसमें हम किसमें लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं तो तुम वो लिखो, रोस्टर फॉर्म से तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं रोस्टर फॉर्म में तुम्हें दे रहा हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब तुम्हें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। अच्छा सर, अब ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान से देखो, प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, और कितने से कम है, 15 से कम है मेरे हिसाब से प्राइम नंबर्स, तुम खुद देखो, 13 15 से कम आता है, 7 15 से कम है, 5 15 से कम है, 3 15 से कम है, 2 15 से कम है, क्या है, प्राइम नंबर्स, 15 से कम वाले सारे प्राइम नंबर्स है ना, समझ रहे हो तुम, 15 से कम वाले सारे प्राइम नंबर्स। तुम 14 से भी कम वाले लिख सकते हो प्राइम नंबर्स, है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, ए इज एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स, है, क्या लिखोगे तुम इसे, खुद बताओ, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन
लेस देन 14 या 15। अब मैं इसे एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे? तुम पहले ये समझो, अगर तुम्हें नहीं आता है, जैसे जीरो है, जीरो वन से छोटा होगा। अब कुछ बच्चों को ये जो होता है ना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू में डिफरेंस हो, गलती हो जाती है। तो जिस तरफ चोंच खुली है चिड़िया की वो वाली तो ग्रेटर होगा, और जिस तरफ चोंच बंद है वो छोटा होगा। सबसे आसान तरीका होता है याद रखने का। और इसके नीचे मैंने अगर एक ऐसे डंडा खींच दिया तो इसका मतलब इक्वल्स टू होता है, जीरो और वन इक्वल्स टू। वैसे पॉसिबल तो नहीं है ये चीज, बट बस बता रहा हूं तुमको, ठीक। तो इसे मैं कैसे और लिख सकता हूं, ए कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद एक्स इज अ प्राइम नंबर, और मैं क्या लिखूंगा, एक्स लेस देन 15। चोंच किस तरफ बंद है, लेस देन इसका मतलब एक्स, और मैं कर्ली ब्रेसेस बंद कर दूंगा। मिल गए मार्क्स, टीचर देगा मुझे, लो भाई 3 में से 3 मार्क्स ले लो, हो गया। चलो अब हम तुम्हें एग्जाम्पल्स करा देते हैं कुछ, क्योंकि एग्जाम्पल्स समझ लोगे, एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई का यही वो है अच्छी बात, वो एग्जाम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन देती है। एग्जाम्पल वन कराए तुमको, चलो एग्जाम्पल वन करो तुम सबसे पहले। अब इसमें हमें दिया है सॉल्यूशन फाइंड करना है, हमें एक सेट है, सेट ऑफ इक्वेशन का, किसका, सेट ऑफ इक्वेशन। क्या दिया हमें इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, सॉल्यूशन फाइंड करना है, और हमें इसे किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तुम समझ गए इसे किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले मुझे इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूं सॉल्यूशन, दिमाग लगाओ। अच्छा, एक्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तुमको, हाँ तो हम उसी से करेंगे। इक्वल्स टू जीरो हमें जब दी गई है, सॉल्यूशन हो सकता है तो इक्वल्स टू जीरो तो रख ही लेते हैं यार, बेसिक है, 9th में पढ़ के आए थे तुम। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, और ऐसे जो ये वाला साइन होता है ऐसे करना होता है हमें, माइनस से प्लस कि बीच वाला टर्म आ जाए। तो 2 × 1 = 2, 2 − 1 = 1, 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे भाई 1 कहीं पे भी रख दो तुम, उठा के दिक्कत क्या हो रही है, 1x हो सकता है। तो मैं इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सर 2 − 1 लिखेंगे हम, फिर हम ब्रैकेट में x लिखेंगे, माइनस 2 = 0। ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 = 0। मैं इरेज कर दूं, ये समझ में आ गया होगा तुमको, चलो इक्वल्स टू जीरो। अब इससे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 बचेगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे x प्लस 2 बचेगा। एक चीज चेक करने की ये होती है, अगर तुमने सही वो किया है तो इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर आएगा, अगर तुमने सेम सही मिडिल टर्म किया, ये चेक करने का तरीका होता है इसको। तो ये x माइनस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। उठा के सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हारे पास x की दो वैल्यू आएगी, प्लस 1 और माइनस 2। अब इसी को देखना ध्यान से, मैं सेट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, a इक्वल्स टू कैसे कर्ली ब्रेसेस और 1, −2, ये बंद हुआ है, लिख के आओगे ये तुम, मार्क्स मिलेंगे। कर्ली ब्रेसेस लगा के आना, ये नहीं कि तुम ये वाले लगा रहे हो, ये वाले लगा रहे हो, ये वाले लगाने हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम तुम्हें एग्जाम्पल 2 कराते हैं। इतना समझ में आ गया एक बार ये, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तुम्हें बार बार करा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। अब चलो एग्जाम्पल 2 देखो तुम। इस एग्जाम्पल 2 में हमें ये दिया गया है, क्या दिया है, क्वेश्चन नोट करते हैं, राइट द सेट कर्ली ब्रेसेस में, देखो इन्होंने भी कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, एक्स बिलोंग्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर अब आया समझ में, मैंने तुम्हें क्यों ये सब पढ़ाया था, वरना अभी तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती, बत्ती गुल में चालू, समझे, इन द रोस्टर फॉर्म। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये मैं किसमें दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे पता चला यार, कॉमन सेंस वाली बात है, एक्स दिया है, सच देख का साइन लगा है, प्रॉपर्टी लिखी है उसकी, तो पक्का होगा ना, इतना क्लियर हो गया तुमको, बहुत अच्छे, ये डाउट रहे। अब चलो तुम्हें फाइंड हो गया रोस्टर फॉर्म में बदलना है, तो अब इसे मैं क्या लिखूंगा, क्या दिया है मुझे, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन है 40 में, और पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर्स तुम्हें पता है माइनस में भी हो जाते हैं, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो यानी जीरो से स्टार्ट हो गए 40 तक ही आएंगे, और एक्स स्क्वायर होना चाहिए। चलो
अब 40 से कम नंबर जिनके स्क्वायर 40 से ही कम हो, हमें ये देखना है। अच्छा 40 से कम कौन कौन से नंबर होंगे, देखो 1 होगा तुम्हारा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, नहीं होगा। 7 क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि 7 का स्क्वायर अगर तुम करोगे तो वो 49 जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो ये x स्क्वायर लेस देन 40 हो जाएगा, समझ गए, x स्क्वायर लेस देन 40। तो ये सेट क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू, बन गया सेट खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, टाइम लगा सॉल्व करने में, एक मिनट चुटकी बजा के, यूं चुटकी बजा के सॉल्व करोगे तुम इस क्वेश्चन को, समझे। चलो अब तुम एग्जाम्पल 3 करो, क्या करो एग्जाम्पल 3। अरे बोल तो रहे हैं सेट बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर तुम्हें मिलने वाला नहीं है, हर चैप्टर आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या समझ लो कॉन्सेप्ट, हम तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठे हैं ना, तुम्हें लिखना है ये सेट दिया है, सेट ए इक्वल्स टू 1, 4, 9। अच्छा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, आसान है बहुत क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए, अप टू इन्फिनिटी इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, क्या लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है इसे, अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस हल्का सा। अब मैं इसको सेट ए को कैसे लिख सकता हूँ, ये जो मुझे दिया है ए इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या यार, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब लिख सकता हूँ। तो मतलब ये जो है ये कांस्टेंट है क्या, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तुम्हारा, और ये बस चेंज हो रहा है, बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम बताओ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है चेंज, हो रहा है चेंज। अच्छा तो ये क्या हुआ, मैं इससे लिख सकता हूँ ए इज एक्स बिलोंग्स टू, ये तुम्हारा सच, दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अनैचुरल नंबर। अब तुम कहोगे नेचुरल नंबर क्यों लिखा है मैंने भाई, अरे भाई नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, समझ में आया क्यों लिखाया था हमने तुम्हें, इसीलिए लिखाया था कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तुम्हें बाद में। अब इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मतलब और अच्छे तरीके से मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ तुम्हें ये बताते हैं हम, है ना। देखो इसे तुम एक और तरीके से लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर, जहां पर एन का मतलब नेचुरल नंबर से है, बात वही है, मैंने एक्स को एन स्क्वायर कर दिया, ये एन नंबर चेंज हो रहा है, यही तो चेंज हो रहा है, इसे मैंने एन मान लिया, ये चेंज होता रहता है, और इसके ऊपर स्क्वायर तो चढ़ा ही है भाई साहब। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये नेचुरल नंबर है, एन कैपिटल एन से नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करते रहे हम, तो हो गया सोल्यूशन मेरा। कितना आसान क्वेश्चन था, बस इतना पता था हमें कि हमें यहाँ पे n लिखना है, ऊपर स्क्वायर आ रहा है, बस इतना दिमाग लगाना, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब आता है तुम्हारा एग्जाम्पल 4, है ना। चलो अब एग्जाम्पल 4, अब तुम्हें दिया क्या है एग्जाम्पल 4 में, पहले ये देखो तुम, एग्जाम्पल 4 में तुमसे ये बोला गया है, क्या दिया है, एक सेट दिया है तुम्हें, लिखते हैं हम पहले तुम्हारे लिए सेट 1, 2, 2/3। अब अगर किसी में दिमाग है तो मैं जो लिख रहा हूं उससे ही उसके दिमाग में टिक ट्रिक मारेगा, टिक 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 टिक, समझ में आ गया। इसे किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसे। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या मान सकते हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा, एक एन मान लें हम, एन, हम ये जो नंबर्स हैं इन्हें एन का मान लें, तो मैंने क्या लिख सकते हैं, ए कैपिटल ए बिलोंग्स टू एक्स, ठीक। अब एक्स जो है क्या हो सकता है, ऊपर वाला एन मान लें, नीचे वाला एन प्लस वन हो जाएगा अपने आप, एक एडी तो कर रहा हूं मैं, ऊपर वन है तो थ्री होगा, ऊपर टू है तो नीचे थ्री होगा, है थ्री है तो ऊपर फोर, नीचे फोर होगा, फोर है तो फाइव होगा, फाइव है तो सिक्स होगा, सिक्स है तो सेवन होगा, है, बताओ तुम गलत बोल रहे हैं हम इसको, सही बोल रहे हैं।
अब इसमें एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे है? पहले तो तुम इसमें ये लिखोगे वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वन जो है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड है, और एंड कहां पे हो रहा है, सेवन पे एंड हो रहा है सर, कहां पे एंड हो रहा है, सेवन पे, लेकिन हमें कहां तक चाहिए, सिक्स तक चाहिए हमें बस, ठीक है, तो ये एन जो है वो सिक्स के इक्वल होगा या सिक्स से छोटा होगा, चूंच खुली है चूंच बंद है, तो ये सिक्स से छोटा होगा और वन के ये क्या होगा, वन से बड़ा होगा या इक्वल होगा, वन से बड़ा होगा या इक्वल होगा, सिक्स से बड़ा होगा छोटा होगा, आ गया समझ में, कितना आसान क्वेश्चन था, इसे तुम ऐसे लिख दोगे, क्या लिखा, n जो है वो 1 से छोटा होगा या इक्वल होगा, और n जो है वहीं पे 6 से बड़ा छोटा होगा या इक्वल टू होगा, आ गया समझ में है, क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छे, तुम में अच्छा खासा पोटेंशियल है, तुम अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो, ठीक है। अच्छा अब हम एक टेबल बना रहे हैं तुम्हारे लिए, उसे सॉल्व करो, तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल में तुम्हें मैच करना है, क्वेश्चन में टीचर तुमसे ये रोस्टर फॉर्म का उठा, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म का उठा के बोल देगा रोस्टर फॉर्म में लिखो, ऐसे हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से करते हैं। अब पहला वाला देखो, प्रिंसिपल दिया है, मतलब हमें ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इस तरफ रोस्टर फॉर्म लिखा है, ठीक, और उस तरफ मतलब ये जो है तुम्हारा, इस साइड तुम्हारा लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, अब तुम्हें ये मैच करना है, ठीक। अब देखो पहला वाला देखो, रोस्टर फॉर्म में लिखा है प्रिंसिपल, अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे, हमें एक प्रॉपर्टी सोचनी होती थी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते थे। अच्छा भाई एक्स जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइजर ऑफ है 18 का नहीं हो सकता क्योंकि हम इसमें अल्फाबेट ले रहे हैं, हो ही नहीं सकता। फिर आता है एक्स जो है वो एक इंटीजर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 नहीं हो सकता, ये अल्फाबेट का है। लास्ट वाला दिख रहा है मुझे कैसे, ये लेटर जो है प्रिंसिपल के शब्द हैं, पी, अच्छा ये लिखा है इसमें पी आर आई एन सी आई टी ए एल है ना, ये प्रिंसिपल लेटर के शब्द हैं, यहाँ पे पी एन आर और आएगा, एन जोड़ लो, प्रिंसिपल के शब्द हैं, कैसे पी आर आई एन सी आई टी ए एल। अब टीचर यहाँ पे ये कर देगा, तुमसे कुछ ऐसा टर्म दे देगा जिसमें जो है एक टर्म दोबारा रिपीट हो रहा हो, जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल के बजाय दिया होता तुमको, क्या दिया होता, मथास है, और वो पता है सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, एम ए टी एच एस। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता कि सर एक दोबारा ए कहां से आ गया, बस ऐसा हो जाता है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले को हम डी से ज्वाइन कर देंगे है ना, क्योंकि प्रिंसिपल का वर्ड है। अब दूसरा हमें क्या दिया है, जीरो, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब देखें हम कौन से में जाएगा ये, ठीक, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ तुम, एक्स जो है पॉजिटिव इंटीजर है और एक डिवाइजर है 18 का, बताओ, x जो है पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर है 18 का, डिवाइजर माने क्या होता है सर, डिवाइजर माने होता क्या है, तो मैं पता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर प्लस क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू वाला इक्वल्स टू, तुमने पढ़ा नहीं था इक्वल्स टू बी प्लस सी डी को डी, वो वाला तुमने यूक्लिड थ्योरम में पढ़ा नहीं था, तो वही डिविडेंड, मतलब जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, जो डिविडेंड होता है वो जैसे ये है तुम्हारा, मान लो अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, तुम्हें पता है ये जो है तुम्हारा 30, ये क्या होगा, डिविडेंड होगा, ठीक, तुम्हें याद है ना यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू बी इनटू सी प्लस डी है, याद है, तो उसी के हिसाब से ये क्या होगा, ये तुम्हारा डिवाइजर होगा, तो इसमें क्या दिया, ये डिवाइजर है 18 का और एक डिवाइजर है 18 का, अच्छा भाई ठीक, डिवाइजर है 18 का और ये क्वेश्चन क्या होता है, जो यहां पे आता है रिमाइंडर जो बचता है, इतना क्लियर है तुम्हें, हाँ, तो अब फर्स्ट वाला क्लियर है, ये तुम इसे जो है वो 3 से मैच कर दोगे, मैच
क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 9, 18 वो सारे पॉजिटिव इंटीजर भी और डिवाइजर हैं 18 के। 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 9 से 18 टू टाइम्स जाएगा, 6 से 18 थ्री टाइम्स जाएगा, 3 से 18 टू 9 टाइम्स जाएगा, 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी 18 डिवाइड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट डी 3A। अब मेरे पास दो बचे, सेकंड और फोर्थ। ठीक, अच्छा बेटा, अब मैं फोर्थ वाला सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं सॉल्व। देखो, बी वाले से फोर्थ मैच होगा कैसे? एक्स स्क्वायर क्वेश्चन दिए हमें, एक्स जो है इंटीजर है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। इसको इधर ले जाऊं मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पॉजिटिव 9। अब मैं x को लिखूंगा तो प्लस माइनस 3 बचेगा। अरे यार, अंडर रूट चढ़ाओगे तुम यहाँ पे, है ना? तो बाहर निकलते प्लस माइनस बचेगा। ये क्या लिखा है? प्लस 3 माइनस 3। अरे यार, मिल गया मुझे तो। अरे वाह, ये है, मैं 4 को b से मैच कर दूंगा। अच्छा, अब मेरे पास कौन सा बचा? c वाला बचा, यानी ये जो सेकंड है इसका आंसर c है। कैसे, ये समझाते हैं हम तुमको। x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हमें दिया है। अब कॉमन सेंस है, x इक्वल्स टू 0 बचा। क्या हुआ? 0 बचा, मैच हो गया। फाइनल आंसर बताएं तुमको? अच्छा, फाइनल आंसर बता दीजिए सर एक बार, तो हम भी अपने आंसर से मैच कर लें। तो देखो, फर्स्ट का तुम्हारा डी हो रखा है, सेकंड का तुम्हारा क्या था, 0 था, सेकंड का तुम्हारा सी हो रखा है, थर्ड का तुम्हारा ए हो रखा है और फोर्थ का तुम्हारा डी हो रखा है। ये तुम्हारे आंसर हो गए। इसी के साथ तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और बेसिक एक्सरसाइज 1.1 के खत्म हो गए। एक बार तुम एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो, अगर ना आए तो फिर मुझे बताओ। और देख लो, तुम हर क्वेश्चन जो है वो एक अलग तरीके से सॉल्व होता है। एनसीईआरटी में यही खासियत होती है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, एक बढ़िया तरीके से खुशबू आती है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक जर्नी होती है। इसी बात पे तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।